रावतपुर गांव में हमारे इस चुनावी चौपाल में हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक भाई देवेंद्र अवस्थी जी, भाई वाजपेयी जी, हमारे लालू सोनकर जी, इनकी टीम के सभी साथीगण, राकेश प्रजापति जी, हमारे स्थान पे विराजमान पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय मुनिंद शुक्ला जी, जिले के सम्मानित उपाध्यक्ष भाई रघुनाथ यादव जी, मंच पे विराजमान समाजवादी पार्टी के एससी एसटी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भाई रंजन पासी जी, भाई शिवकरण यादव जी, प्रधान नीरज जी, रमेश पाल जी, सभी सम्मानित हमारे मंत्रालय वाल्मीकि जी, हमारे जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य भाई अतर सिंह जी, हमारे आदरणीय रमेश कुरील जी, शाहिद अहमद जी, सम्मानित सभी यहाँ बैठे हमारे बुजुर्गो नौजवान साथियों, माताओं बहनों भैया, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम के आयोजक साथियों को, यहाँ उपस्थित साथियों को, मैं मंच की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, घनश्याम सोनकर जी, लंबी चौड़ी बातें तो आज के 10 साल पहले आदरणीय मोदी जी ने की थी। उन्होंने कहा था कि हम इस देश को गुजरात मॉडल बना दें, और गुजरात मॉडल को यहाँ के लोग समझे कि कोई सिंगापुर की बात सुनता था, कोई लंदन की बात सुनता था, समझता है वैसे गुजरात मॉडल होगा। जो लोग गुजरात गए होंगे उन्हें पता होगा कि गुजरात के उत्तर प्रदेश और बिहार के गरीब लोग वहाँ की प्राइवेट कंपनियों में मजदूरी करने जाते हैं। पहले तो गुजरात में ही मजदूरी करने जाते थे, अब पूरे देश को अडानी अंबानी के अंदर में मजदूरी करने के लिए विवश कर दिया है, यही तो गुजरात मॉडल है। और इसलिए उन्होंने कहा था कि हमें गद्दी में बिठाओ, कांग्रेस ने बड़ा भ्रष्टाचार किया है, काला धन सऊदी के अंदर लाएंगे और सबके खाते में डालेंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्हें पूरी दुनिया ने झूठा साबित कर दिया। हमारे नौजवान लड़के हैं, गूगल में अगर सर्च करेंगे दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री, तो हमारे मोदी जी को नंबर 1 पर मेडल मिलेगा। किसी देश का प्रधानमंत्री झूठा साबित हो जाए, प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठा साबित हो जाए, जिले का मुखिया झूठा साबित हो जाए, तहसील में तहसीलदार झूठा साबित हो जाए, ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख और ब्लॉक मीडिया झूठा हो जाए, गांव में गांव प्रधान और घर का मुखिया झूठा साबित हो जाए। अगर घर का मुखिया झूठा साबित हो जाए तो उसके लड़के लड़कियों की शादी होती है भाई, क्यों? अरे कहा हम कहाँ फंस रहे हो, अच्छी बात है, दोनों भरोसा है। तो 10 साल में अब जितने वादे आदरणीय मोदी जी ने किए थे वो एक भी पूरा करने का काम नहीं किया, पूरे देश को बेचने का काम किया है। क्या आप फिर नई गारंटी में फंसने का काम करोगे, नहीं बताओ? इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं, उन्होंने लोकतंत्र को खत्म कर दिया है,
आजादी के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के चार जज अपने चेम्बरों से निकलकर ये कहने को मजबूर हो कि भारत का लोकतंत्र खतरे में, इससे बड़ी कोई खतरे की घंटी हो नहीं सकती। जब राफेल के मामले में मोदी जी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप आदरणीय राहुल जी ने लगाया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने राफेल के मामले में आदरणीय मोदी जी के खिलाफ संज्ञान लेने की कोशिश की तो उनकी 10 साल पुरानी स्टेनो से रेप केस लिखवा करके और राफेल का फैसला अपने पक्ष में करा लिया, तो आप बता दो फिर कौन सी भारत की संवैधानिक संस्था है जो स्वतंत्र है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उसके खिलाफ भी रिपोर्ट लिख के फैसला अपने पक्ष में कराया जा सकता है, तो हम आज आपसे कहने आए हैं। हमने तो 26 नवंबर को 2023 को संविधान बचाओ भागीदारी पाओ महारैली भी करने का काम किया। अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, जो भी नेता आदरणीय मोदी जी के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है उसे जेल में डाल देते हैं या मुकदमा लिखा लेते हैं, या तो उनके पक्ष में मिल जाए तो चाहे जितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो बिल्कुल एरियल से नहा धोको वॉशिंग मशीन से, और जो विपक्ष में है वो देशद्रोही है। तो साथियों कहना चाहते हैं कि इस समय बिना डरे बिना रुके इस देश को, इस देश के नौजवानों के भविष्य को, किसानों को अगर बचाने के लिए बिना डरे बिना रुके कोई नेता पूरे देश को बचाने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक संघर्ष कर रहा है तो उस नेता का नाम राहुल गांधी है। और उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता जाता है। यहाँ पर सांप्रदायिक ताकतों के सामने अगर कोई पार्टी दिखती है तो उस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी, उस नेता का नाम मानिए अखिलेश यादव, दूसरा कौन नेता। जिस दिन से माननीय अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस से इंडिया गठबंधन किया है उस दिन से आदरणीय मोदी जी का सिंहासन हिलना शुरू हो गया है। उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू करा दी है। तुम सीबीआई जांच कराओ, चाहे ईडी से जांच कराओ, चाहे आईटी से जांच कराओ, अब ये तो नेता न रुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, ये तुम्हें गद्दी से उतार कर गुजरात भेजने से पहले दम लेने वाले नेता नहीं। जहां तक मेरा सवाल है, मेरे बारे में आप जानते हैं, काम के हिसाब से देखो तो मोदी जी की गारंटी वाले को एक वोट नहीं मिलना चाहिए। हमें आपने 9 से 14 में एमपी बनाया, जो आज की तारीख में 5 किलो राशन मिल रहा है वो 2013 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कानून बनाया। 5 किलो राशन का दाम 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल का दाम रखा गया, जो 12 और 13 रुपए था यही 12-13 रुपए का आदरणीय मोदी जी ने माफ करके पूरे देश में हाथ फैला कर 80 करोड़ लोगों को हम फ्री का अनाज दे रहे हैं। ये फ्री का अनाज आदरणीय मोदी जी की कोई कृपा और भीख नहीं है, ये भारत से पार्लियामेंट में भारत में रहने वाले प्रत्येक आदमी को भूखा नहीं सोएगा इस बात की पार्लियामेंट की कैबिनेट की गारंटी है, यानी अधिकार है। जैसे बाप की संपत्ति पर बेटा बेटियों का अधिकार है ना, वैसे भारत की संपत्ति पर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमने एक वोट का अधिकार देकर तुम्हें प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने बनाने का अधिकार तो दिया ही है, साथ ही साथ आज के बाद भारत की धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया। तो ये कोई अधिकार है, ये कोई भीख नहीं है, इसके बदले वोट देने की जरूरत। चाहे 5 किलो की जगह 10 किलो देने लगे, चुनाव जीतने के लिए 1 किलो 2 लोग दूध देने लगे, तो भी इसे अधिकार समझ के खाने की जरूरत है, इसके बदले वोट देने की जरूरत नहीं है। ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने का चुनाव है, यह चुनाव भारत के लोकतंत्र को बचाने का है। अगर लोकतंत्र बचेगा तो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनते रहेंगे, और अगर संविधान बदल गया तो
कि देश फिर से गुलाम हो जाएगा। तो इसलिए साथियों, ये चुनाव न बटने का है, न डरने का है, न मोदी जी की नई गारंटी में फंसने का है। ये चुनाव दलित, पिछड़े, अकलियत आदि आबादी, अग्रे समाज के वो लोग जिनका आजादी में योगदान है, जिनका लोकतंत्र विश्वास है, वो सब लोग इकट्ठे होकर के इस तानाशाह को गद्दी में उतारने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होने का चुनाव है। हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि हम तो यहाँ से एमएलए भी रहे हैं, दो बार एमपी भी रहे हैं, 9 से 14 में हमने बिजली की समस्या को ध्यान में रखते हुए 4000 मेगावाट का पावर प्लांट लगवा दिया। अगर वो चालू हो जाए तो उत्तर प्रदेश को 24 घंटे बिजली मिलेगी, सैकड़ों उद्योग लगेंगे, दूसरे प्रदेशों को भी बिजली सप्लाई लायक हमने पावर प्लांट बनवाया था। 10 साल में आदरणीय मोदी जी वो पावर प्लांट चलवा नहीं पाए। स्मार्ट इंडिया की बात करते हैं, हमने कानपुर से कबरई तक स्टेट हाईवे बनवाने का काम किया। यहाँ जो लोग जाते थे नौबस्ता से हमीरपुर तक, भाई रामोदार जी आइए, तो इसको स्टेट हाईवे बनवाने का काम किया हमने। कोई ऐसा रूट नहीं होगा जहाँ ट्रेनर को ने काम न किया हो, जो भारत सरकार के काम है वो हमने काम करने का काम किया है। प्रत्येक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में हमने सोलर लाइट और हैंडपंप देने का काम किया। लेकिन मौजूदा जो सांसद मोदी जी गारंटी वाला है, उसका एक भी काम तुम पूरी पार्लियामेंट में बता नहीं सकते। तो हम आपसे निवेदन करने आए हैं, हम तो पूरी राजनीतिक जिंदगी में हमने कभी आने वाले का नाम, उसकी जात, उसका दल, उसका धर्म, उसका क्षेत्र भी नहीं पूछा। हम आने वाले का केवल काम पूछते हैं। सार्वजनिक जीवन में लोगों को जात, दल, धर्म, क्षेत्र नजर आते हैं, हमारे इस कंप्यूटर में गड़बड़ है, वह सारे भाई, सारे इंसान नजर आते हैं। क्योंकि मुझे पता है सारी जातियों के लोग एम पी एम एल ए नहीं हो सकते, सारे दलों, सारे धर्मों, सारे क्षेत्रों से एम पी एम एल ए नहीं हो सकते। एम पी एम एल ए तो कोई एक जात, एक दल, एक धर्म का बनेगा, सबके लिए काम करने की किसकी जिम्मेदारी है, उसको जिम्मेदारी ऊपर वाले ने शायद हमें देने का काम किया है। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, कोई 25-30 साल में कोई करोड़पति, अरबपति, लखपति हम पर भरोसा करता है कि नहीं करता मैं नहीं जानता, लेकिन 25-30 साल में हमने समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भरोसा पैदा कराने में कामयाबी हासिल की है, जिसके पैरों में चप्पल ना हो, शरीर में कपड़ा ना हो, पेट में भोजन ना हो, हमारे पास आने तक के पैसे ना हो, अपनी समस्या कहने के शब्द ना हो, वो 150 किलोमीटर दूरी पर समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी भरोसा करता है कि अभी राजाराम पाल को टेलीफोन करेंगे मदद हो जाएगी, अभी चले जाएंगे मदद हो जाएगी, ये भरोसा समाज के उस अंतिम व्यक्ति को हमारे शरीर की अंतिम सांस तक कायम रहेगा, ये हमारी गारंटी है। तो इसलिए आपसे निवेदन करने आए हैं कि आने वाले पीढ़ी के भविष्य को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, किसानों को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन सक्षम है, बिना बटे, बिना डरे, बिना किसी नई गारंटी के झांसे में फंसे इंडिया गठबंधन के चुनाव चिन्ह साइकिल पर वोट देने का काम करोगे। हम आपको वायदा करके जाते हैं, हम आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए, मुश्किल परेशानी के लिए जब भी सुख दुख में याद करोगे हम आपके बगल में खड़े नजर आएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।